कल सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया, जनता में आक्रोश हो, तो कैसी किसानी कैसी सरकार हुई। सबसे बड़ा वादा कर्ज माफी का किया था हम लोगों से भी 2018 में अनेक वादे कांग्रेस ने किए थे। इन सबसे पूरे प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश है। जब भी हम किसी संघर्ष में जाते हैं तो हमें अपने औजार हमारे हथियार सबको घुसाकर करके रखना होता है कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो आपकी लाइन में नहीं है उसको बाड़मेर तबादला कर दिया जाता है। साथियों, लोकशाही में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान राज्य में विपक्ष में है। विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका यह होती है कि यदि वहां की सत्तारूढ़ सरकार निरंकुश हो जाए, आम जन के हितों की चिंता ना करे, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करे और आम जन की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे, तो आम जन की जो आवाज है उसको विपक्ष को मुखर करना पड़ता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रदेश में एक बृहद कार्यक्रम अपने हाथों में लिया है। आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं हर पार्टी कोई न कोई उन मतदाताओं से वायदे किया करती है और जीतने के बाद में उन वायदों पे उस सरकार को खरा उतरना होता है। हम लोगों से भी 2018 में अनेक वादे कांग्रेस ने किए थे, वादे मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताए हैं और भी वक्ता बताएंगे। मैं संक्षिप्त में बता दूं, सबसे बड़ा वादा कर्ज माफी का किया था। कर्ज माफी किसकी हुई? केवल मात्र सहकारी समितियों के जो भी 25,000-50,000 रुपए का जो लोन थे, केवल मात्र उन लोगों की कर्ज माफी हुई। और उस कर्ज माफी में भी बाद में कुछ वसूलियां की गई, यदि उनका बच्चा कोई इनकम टैक्स देता है और उसकी कर्ज माफी हो गई तो उससे वापस पैसे वसूल लो। लेकिन कर्जे केवल सहकारी समितियों के ही नहीं होते हैं, किसानों को वाणिज्यिक बैंकों से भी कर्जा लेते हैं, अन्य दूसरी जो बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं उनसे भी कर्जा लेती है। सहकारी समितियों का कर्जा तो केवल मात्र एक छोटा सा अंश है। तो जब कर्जा माफी की बात आपने की तो आपको सारे के सारे कर्जे माफ करने चाहिए, लेकिन उन्होंने थोड़े से कर्जे माफ कर दिए। रोजगार की उन्होंने बात की, रोजगार की स्थिति आपके सामने है। वादों के अलावा भी जन कल्याणकारी सरकार को के कुछ दायित्व होते हैं, वो आमजन को सुरक्षा दे, आमजन के हित और कल्याण के कार्य किए, लेकिन दोनों ही कसौटियों पे ये राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वादा तो एक भी पूरा किया नहीं। और समाज के अगर हम देखें तो कौन कौन से अंग हैं? युवा एक अंग है, महिला एक अंग है, किसान एक अंग है, छोटे व्यापारी एक अंग है। किसानों की स्थिति आपने देख ली। हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिजली के बिलों में 10,000 रुपए की छूट दी थी, उस छूट को लंबे समय तक इन्होंने बंद कर दिया और अब जाके एक दबाव बना, तब थोड़ी सी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी छूट उन्होंने चालू की है। अभी हाल ही में जब फसल बो रहे थे, प्याज की फसल बड़ी होती है हमारे क्षेत्र में, आपने देखा होगा कि हर किसान डीएपी के लिए कतार में लगा हुआ था। जब उस किसान को आप बीज और खाद समय पर मुहैया नहीं करा सकते तो कैसी किसानी कैसी सरकार हुई। महिलाओं की बात करें तो ये पूरा प्रदेश महिला के अपराध में पूरे देश में एक नंबर पर है। यहां पे कोई भी महिला कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। हम रोजाना अखबारों में सुनते हैं कि अलग अलग तरह के अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। युवा की बात करें तो युवा तो आप रोजाना पढ़ते हो, आज रीट का पेपर लीक हो गया, कल सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया और लीक केवल एक किया है। आज का अखबार आपने पढ़ा हो तो वो जिनको पकड़ा गया है वो ये कह रहे हैं 8 में से 6 पेपर लीक हुए हैं। तो बहुत से पेपर लीक हो गए, उनको सरकार मानती नहीं है। युवा को कोई रोजगार इन्होंने दिया नहीं, उनके सारे के सारे अवसर ही सरकार ने गंवा दिए। और केवल मात्र जो अपराधी प्रति के लोग हैं और जो इन सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो केवल पैसा बना के, और जो अयोग्य लोग हैं उनको नौकरियां दे रहे हैं, और 3-3-4-4 साल तक हमारे जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो पात्र हैं,
उनको नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। मित्रों, इन सबसे पूरे प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ के संदर्भ में आक्रोश दो तरह का है। इस राज्य सरकार के प्रति आक्रोश भी है और यहाँ के जनप्रतिनिधि के प्रति भी आक्रोश है। यहाँ का जनप्रतिनिधि है वो सरकार में मंत्री क्या बन गया, वो इतना नरमपुष और इस तरह से हो गया कि ना लोकतंत्र को मानता है, ना उसको वोट दिए हुए लोग हैं उनका एहसान मंद है। हालात ये है, आपके पड़ोस में खीरवा गांव है, वहां पे एक दलित युवक की पुलिस प्रताड़ना से मौत हो गई और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग पूरे दिन उस दलित के परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां धरने पे बैठे। आप सबको मालूम होगा कि रात को जब यहाँ के सीकर के एडिशनल SP और ADM दोनों की मौजूदगी में, हमारे सांसद की मौजूदगी में एक फैसला हुआ और उस फैसले में सरकार के प्रतिनिधियों ने यह वादा किया था कि उस दलित को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है इस बात का कि यहाँ से जो वो फैसला हुआ उसका दाह संस्कार हो गया। उसके बाद में यहाँ के प्रतिनिधि ने दबाव बना दिया उस प्रशासन पे कि इनको एक पैसा नहीं मिलना चाहिए, उस पैसे मिलेगा तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा। हमें नहीं चाहिए श्रेय, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, किसी व्यक्ति को श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम तुम उस दलित की सहायता तो करो, उसको मुआवजा तो दिलाओ। यही हाल अभी राधा रानी जी कह रही थी, या तो हमारी लाइन में चलो और जो लोग इस प्रतिनिधि की लाइन में नहीं चलते हैं उसमें मुकदमे लगा देंगे, उसको काम करने नहीं देंगे। अगर किसी पंचायत में कोई सरपंच चुना गया है तो गांव वालों ने चुना है, किसी दूसरे ने तो नहीं चुना, आपको भी गांव वालों ने ही चुना था। जब आप गांव वालों के चुने हुए विधायक के रूप में काम कर रहे हैं अधिकारी बन के, वो सरपंच अपने पंचायत में काम क्यों नहीं करेगा, लेकिन भेदभाव की राजनीति करता है। प्रतिनिधि चुनने के बाद उस प्रतिनिधि का दायित्व संपूर्ण क्षेत्र के प्रति होता है, केवल मात्र चंद व्यक्ति के प्रति नहीं होता। लेकिन यहाँ तो हालात ये है कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो, आपकी लाइन में नहीं है उसको बाड़मेर तबादला कर दिया जाता है, चाहे आमजन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। इतना अहंकारी और इतनी बदले की भावना से काम करने वाला जनप्रतिनिधि हमने आज तक इस क्षेत्र में नहीं देखा। बड़े जनप्रतिनिधि हुए हैं लेकिन ऐसा बदले की भावना से काम करने वाला जनप्रतिनिधि हमने नहीं देखा। लेकिन मित्रों, ये जन आक्रोश है जिसको मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज बना रही है, उसका लक्ष्य क्या है? राजनीति में लक्ष्य होता है, हमारे बीच पूर्व मंत्री प्रेम सिंह जी बाजोर साहब पधारे हैं, मैं संपूर्ण पांडाल की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि इस जन आक्रोश की परिणीति किस रूप में होनी चाहिए, इस जन आक्रोश की परिणीति होनी चाहिए लोकतंत्र में केवल चुनाव के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होता है। तो इसलिए जब भी चुनाव आए तब ऐसे प्रतिनिधि को, ऐसी पार्टी की सरकार को हम सब लोगों को उखाड़ के फेंकना है। साथियों, मैं बात कर रहा था इस आक्रोश की परिणीति किस रूप में हो, इसकी परिणीति चुनाव में वोट के माध्यम से बटन दबा के इसकी परिणीति होती है। लोकतंत्र में केवल वही एक रास्ता है जिसमें गलत लोगों के पास सत्ता होती है उनको हटाने का यही एक रास्ता होता है। लक्ष्मणगढ़ के संदर्भ में एक बात हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम किसी संघर्ष में जाते हैं तो हमें अपने औजार, हमारे हथियार सबको कुशाग्र करके रखना होता है। हमें यह याद रखना होगा कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब तक 15 चुनाव हुए हैं और 15 चुनाव में 16 MLA बने, 16 जनप्रतिनिधि बने, और ये दुखद बात है कि जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो संपूर्ण इतिहास है चुनावी, उसमें हम लोग यहाँ से केवल एक विधायक दे पाए हैं श्री KD बाबर जी की तरह से। यह स्थिति न तो पार्टी के लिए अच्छी है न हम लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए हमें केवल मात्र प्रयास करने से काम नहीं चलेगा। जब इस तरह का विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें दो शर्तों की आवश्यकता है, एक शर्त है जनता में आक्रोश हो तो जो लोग उनको जिताते रहे हैं उनमें भी उनके प्रति जो है दुर्भावना पैदा हो और वो उनको छोड़े, और दूसरा है कि बाकी विपक्ष है, हम सब लोग हैं, सब एकजुट हो जाएं। तो ये दोनों की दोनों शर्तें 2023 में हमें तय करनी है।
हमारे हाथ में सब एकजुटता है, हम सबको एकजुट होके और 100 गुने प्रयास करके और 2023 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि जिताना है, तभी इस जन आक्रोश यात्रा का और इस बैठक का कोई औचित्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।